संजय सिंह राज्यसभा सांसद का विवादित बयान, अमेरिका ने बेवकूफ आदमी और तानाशाह को राष्ट्रपति बना रखा था। अब हिंदुस्तान में भी जो हिटलर घूम रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह दो दिवसीय पर मुरादाबाद पहुंचे। आज दूसरे दिन के मुरादाबाद के पंचायत भवन में पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संजय सिंह ने कहा कि हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुत साफ संकेत मिल रहे हैं कि नफरत फैलाने वाली ताकतों का खात्मा होने जा रहा है। संजय सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार पर उन्होंने कहा कि एक तो मोहब्बत जीती है और नफरत हारी है, यह एक मैसेज गया है, यह संदेश हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। वहां के लोगों से गलती हो गई थी, चार साल तक उन्होंने एक बेवकूफ आदमी और तानाशाह को राष्ट्रपति बना रखा था। चला गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जल्द ही एक महीने के अंदर दोबारा मैं मुरादाबाद आया हूँ और कल काठ में भी एक प्रोग्राम था, उसके बगल बिजनौर में प्रोग्राम था, अफजलगढ़ में। तो ये इस बात का संकेत है कि बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी परिवार का कारवां बढ़ रहा है और एपी सिंह जैसे मजबूत संगठन के लिए बड़े जानकार व्यक्ति जिन्होंने 7 साल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएँ दी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया और उनको पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है और पिछड़े समाज की जो समस्याएं हैं, ओबीसी समाज की जो समस्याएं हैं उसको लेके आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पे ये रैलियां और सम्मेलन आयोजित करेंगे उत्तर प्रदेश भर में और हम लोग उनके मामलों को उठाने का काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें बहुत साफ संकेत मिल रहा है कि नफरत फैलाने वाली ताकतों का बिहार से खात्मा होने जा रहा है और जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनसे अब सवाल पूछा जाएगा कि कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया, कितने लोगों को आपने व्यापार दिया, कितने लोगों को आपने नौकरियाँ दी, कितने आपने सड़कें बनाई, कितना आपने शिक्षा में काम किया, कितना आपने स्वास्थ्य में काम किया। और जब इस तरह की राजनीति शुरू हो जाए हिंदुस्तान के अंदर तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि दिल्ली में 62 सीटें जो आम आदमी पार्टी की आईं, इसी प्रकार से वहाँ भी नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन जनता ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के नाम पर वोट दिया। उत्तर प्रदेश में भी जो आज हालात हैं आदित्यनाथ के सरकार में, ना तो लोगों को ठीक से शिक्षा मिलती है, बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रही है, अस्पतालों की हालत ऐसी हो जाती है कि बारिश के दिनों में वहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है, कोरोना के कार्यकाल में हमने देखा कि यहाँ पे कोरोना के नाम पे घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की खरीद में 800 मीटर का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा जाता है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा जाता है, 800% कमीशन प्रभु श्री राम ने कहा है इनसे खाने के लिए। राम का नाम लेके ये लोग शमशान में दलाली खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। गुंडा राज खत्म करने की बात कह के आए थे ये लोग और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ, कहीं पे किसी को जला दिया जा रहा है, कहीं किसी का शव काट दिया जा रहा है। हमने देखा हाथरस में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, आज हमने देखा झांसी के अंदर एक छात्रा ने तंग होकर जहर खा के अपनी जान दे दी। तो ये हो रहा है पूरे प्रदेश में, बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आज कब्रगाह बनता जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। आपने किसानों का जिक्र किया, पराली के नाम पर किसानों को जेल में डाला जा रहा है। किसान क्या कोई गुंडे हैं, क्या कोई माफिया हैं, क्या कोई मवाली हैं, किसी के घर में उन्होंने चोरी की है क्या, उनका कॉलर पकड़ के आप उनको जेल में डाल रहे हैं? क्या प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग, बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोग क्या ये प्रदूषण नहीं फैलाते? आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को उठा के प्रदूषण के नाम पर जेल में डाला? आपने कहा कि हम किसी भी किसान को जेल में नहीं भेजेंगे, ये 2 दिन पहले का बयान है। आज मैं फतेहपुर में देख रहा था कि वहां पर 8 किसानों को फिर से जेल में डाल दिया। इसका मतलब आपकी चौकी प्रभारी भी नहीं सुन रहा है, दरोगा भी नहीं सुन रहा है, किस बात के आप मुख्यमंत्री हैं? आपके कहने के बावजूद किसानों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं,
उन पे फाइन किया जा रहा है, ना आप उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का को लागू करके उनको उपज का दाम देते हो, ना उनको आप अनाज की MSP देते हो, ना उनको गन्ने का दाम देते हो। उनका 7,000 का ट्यूबवेल का जो बिल था उसको आपने बढ़ा के 24,000 कर दिया। तो आप कितने तरीके से किसान का शोषण करना चाहते हो? तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अगर इन किसानों को रिहा नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त आंदोलन करेगी। हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये सरासर अन्याय है। और जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, दो घटनाओं का मैं और जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। बलिया के अंदर वहां पर पाल समाज के एक व्यक्ति की CO के सामने, SDM के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, और पूरी की पूरी सरकार आदित्यनाथ जी की वो हत्यारे को बचाने में लगी रही। ये बहुत एक साफ संकेत है कि किस तरह से इस सरकार का काम चल रहा है, किस तरह से पिछड़े वर्ग के विरोध में रह के ये सरकार काम कर रही है। दूसरी घटना हाथरस के मामले के बाद दुखी होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद क्या कहते हैं भाजपाई बौखलाहट में, अपनी गलती नहीं मानते, ये नहीं कहते कि कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। कहते हैं साहब दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके जाटों और वाल्मीकि ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मैंने कहा भाई दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक कब से हो गया? वो अगर पैसा देगा किसी को धर्म परिवर्तन के लिए तो वो इस्लाम धर्म दिलवाएगा, वो बौद्ध धर्म क्यों दिलवा रहा है? तो इस प्रकार के उल जलूल बेसलेस बातें ये भाजपाइयों का काम है। और दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका में हुआ, जहां अश्वेत लोगों के ऊपर एक जबरदस्त अत्याचार ट्रंप कर रहा था, उसकी तानाशाही को श्वेत और अश्वेत दोनों मिलकर उन्होंने ख़त्म किया। हिंदुस्तान में भी जो लोग आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, सिख और ईसाई, हम सब मिलकर नफरत की राजनीति को हराएंगे।